हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम होम मेड पीट कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। एक बाउल में हम 10 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। छोटी चम्मच हमने इसके लिए लेनी है। हम इसमें एक पाउच कॉफ़ी का ऐड करेंगे। 10 रुपए वाली कॉफ़ी पाउच हमने ली है। 10 रुपए वाली कॉफ़ी पाउच के अकॉर्डिंग हम इसमें 10 चम्मच चीनी का यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें छोटी 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब हम फेंटना स्टार्ट करेंगे। रेगुलर हमें इसे चलाते ही रहना है। स्टार्टिंग में हमें पानी कम ही लेना है। अगर आप ज़्यादा पानी ले लोगे तो कॉफ़ी अच्छे से बीट नहीं होगी। इसी तरह से हम बिना मशीन का यूज़ किए घर पर बहुत आसानी से कॉफ़ी बना सकते हैं। इसे हमें रेगुलर ही बीट करते रहना है जब तक इसमें प्रॉपरली झाग नहीं बन जाएगी। देखिए, इसमें कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच पानी हमने और ऐड किया है। हम फिर से इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें थोड़ी ड्राइनेस आपको लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें पानी की मात्रा काफ़ी कम रखनी है। देखिए, कलर काफ़ी लाइट होना स्टार्ट हो गया है। पेस्ट में काफ़ी थिकनेस आ गई है और ये फूलने भी लग गई है। अभी हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, फेंटते रहना है। कि स्पीड हमारी तेज होनी चाहिए, उतना जल्दी ये बन जाएगा। कॉफी बनाने के लिए मेन टिप इसमें यही है, अगर आपको अच्छे से बीट झाग वाली कॉफी बनानी है तो आपको पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। थोड़ा फेंटने के बाद एक चम्मच पानी ही ऐड करना है, उससे आपकी प्रॉपर झाग वाली कॉफी बनेगी। देखिए कितनी फूल चुकी है, ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। जो हमने कॉफी रेडी की है बीट कॉफी, उससे हम 10 कप तक कॉफी बना सकते हैं। छोटे 10 कप रेडी कर सकते हैं। 3 से 4 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। और अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो आप पहले से बीट कॉफी रेडी करके रख सकते हो। बीट कॉफी रेडी हो चुकी है। हम आपको एक कप कॉफी का बना के दिखाएंगे। एक कप में हम एक बड़ा चम्मच बीट की हुई कॉफी ऐड करेंगे। हॉट दूध इसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल गर्म दूध हमने लिया है। चोको पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। बीट कॉफी रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।